चलिए अब हम शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत सहसंबंध की गणना करेंगे। आप सहसंबंध का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सहसंबंध की गणना से पहले हमें x और y इन दोनों की वैल्यूज दी होंगी और हमें इन दोनों के बीच सहसंबंध की गणना करनी होगी। साथ ही साथ हमें यह भी बताना होगा कि सहसंबंध का परिमाण कितना है, सहसंबंध हाई डिग्री का है या लो डिग्री का है या मॉडरेट है या नो कोरिलेशन है, तो ये भी हमें साथ ही साथ बताना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं x और y, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये दोनों 10 है 10 है, इन दोनों की वैल्यूज एक बराबर है। x का भी टोटल नंबर कितने हैं 10 है और y के भी टोटल नंबर 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x सीरीज का विचलन निकालेंगे। x सीरीज का विचलन हम निकालेंगे अज्यूम्ड मीन की सहायता से और y सीरीज का विचलन भी हम अज्यूम्ड मीन की सहायता से ही निकालेंगे। तो अज्यूम्ड मीन हमने यहां पर 38 को माना है और y सीरीज भी हमने अज्यूम्ड मीन 75 को माना है। तो सबसे पहले हम x का विचलन निकालते हैं, यानी डेविएशन फ्रॉम x। तो डेविएशन फ्रॉम x में हम देखते हैं 35 - 38 कितना हुआ -3, 36 - 38 -2, 40 - 38 +2, 38 - 38 0, 37 - 38 -1, 39 - 38 +1, 41 - 38 कितना हुआ +3, 40 - 38 +2, 36 - 38 -2, 38 - 38 जीरो। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें डेविएशन ऑफ एक्स ये हमें मिल चुका है, डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ये वैल्यूज हमने ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वर्ग निकालेंगे, यानी जो भी हमें विचलन के अंतर्गत जो भी हमें डेविएशन के अंतर्गत वैल्यूज मिली हुई है इस वैल्यूज का हम क्या करेंगे वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग में आप देखिए -3 का वर्ग कितना हुआ 9, -2 का वर्ग हुआ 4, +2 का 4, 0 का 0, -1 का 1, +1 का 1, 3 का 9, 2 का 4, -2 का 4 और 0 का 0। अब हम क्या करेंगे, हम अपने y सीरीज की तरफ आएंगे। y सीरीज में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले विचलन निकालना है, विचलन निकालना है अज्यूम मीन की सहायता से। तो अज्यूम मीन y सीरीज में कितना है 75 है। तो अब हम निकालते हैं 65 माइनस 75 कितना हुआ -10, 72 माइनस 75 कितना हुआ -3, 78 माइनस 75 कितना हुआ +3, 77 माइनस 75 कितना हुआ +2, 76 माइनस 75 कितना हुआ +1, 77 माइनस 75 कितना हुआ +2, 80 माइनस 75 कितना हुआ +5, 79 माइनस 75 कितना हुआ +4, 76 माइनस 75 कितना हुआ +1, 75 माइनस 75, 75 माइनस 75 कितना हुआ 0। चलिए अब हमने dy यानी कि विचलन हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस विचलन का वर्ग निकालना है, इस विचलन का स्क्वायर निकालना है। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 3 का 9 +3 का 9 -3 का 9 +3 का 9 +2 का 4 +1 का 1 +2 का 4 +5 का 25 +4 का 16 +1 का 1 और 0 का 0। अब अंत में हम क्या करेंगे dx.dy यानी कि x का विचलन और y का विचलन, ये जो वैल्यूज हमें मिली हुई है इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे x और y यानी कि dx dy। तो आप यहां देख सकते हैं -3 इंटू -10 कितना हुआ +30, -2 इंटू -3 कितना हुआ +6, +2 इंटू +3 कितना हुआ +6, 0 इंटू +2 0, -1 इंटू +1 कितना हुआ -1, +1 इंटू +2 कितना हुआ +2, +3 इंटू +5 कितना हुआ +15, +2 इंटू +4 कितना हुआ
बना लिया है टेबल के अंतर्गत, इस टेबल की सहायता से हमें वैल्यूज मिलेगी, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, d स्क्वायर x की वैल्यू, d स्क्वायर y की वैल्यू और साथ ही साथ dx into dy की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल की सहायता से निकालेंगे। इसके पहले की टेबल की सहायता से हमने ये सारे वैल्यूज ज्ञात कर ली है। अब यहाँ देखेंगे हम सिग्मा dx डॉट dy का मान आया है 64, सिग्मा d स्क्वायर x का मान आया है 36, सिग्मा d स्क्वायर y का मान आया है 169, सिग्मा dx का मान आया है 0 और सिग्मा dy का मान आया है +5। अब हम अपने फार्मूला की तरफ आएंगे। हमारा फार्मूला है सिग्मा dx dy into n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dx सेकंड ब्रैकेट सिग्मा dy अपॉन बिग ब्रैकेट में दिया हुआ है सिग्मा d स्क्वायर x into n माइनस सिग्मा dx द होल स्क्वायर यानी सिग्मा dx का स्क्वायर। यहां दिया हुआ है सेकंड ब्रैकेट में सिग्मा d स्क्वायर y into n माइनस सिग्मा dy द होल स्क्वायर यानी सिग्मा dy का स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू हुई और ये y की वैल्यू हुई। अब हम क्या करेंगे, अब इस टेबल की सहायता से जो भी वैल्यूज हमने ज्ञात कर ली है उन सभी वैल्यूज को हम अपने फार्मूला में लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा dx dy का मान हुआ 64, n हमारा कितना है 10 माइनस सिग्मा dx का मान है 0 और सिग्मा dy का मान है 5। अब यहां हम लिखते हैं अपॉन 36, सिग्मा d स्क्वायर x का मान है 36 into 10 माइनस सिग्मा dx का मान है 0 यानी 0 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम आते हैं सिग्मा d स्क्वायर y का मान है 169, n का मान है 10 माइनस सिग्मा dy द होल स्क्वायर का मान है 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन के पश्चात अब हम क्या देखेंगे, जैसे 64 into 10, जब 64 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 640। 640 यहाँ देखिए लिखा गया माइनस 5 इंटू 0, देखिए 5 0 से कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई की जाए तो वो 0 ही आती है, इसलिए यहाँ 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे ऊपर की जो वैल्यू कितनी मिली है 640। तो ऊपर वाले कैलकुलेशन हमने किया तो इस कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू मिला है 640। तो नीचे आप देखिए, तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 36 इंटू 10 ना होगा 360। अब आप यहाँ देखिए 0, 0 का कोई भी वर्ग नहीं होता, 0 का वर्ग 0 ही आता है, तो उसको लिखने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि 36 into 10 कितना हुआ 360, क्योंकि 0 का वर्ग कितना हुआ 0 ही हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐड नहीं किया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ कितना है 169 into 10, ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 5 है तो स्क्वायर हमने निकाला तो 5 का स्क्वायर कितना हो, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए 36 into 10, तो 36 into 10 कितना हुआ 360 माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो 0 का जो स्क्वायर होता है, 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है, तो यहाँ हम इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करेंगे 360 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है 169 into 10, तो 169 into 10 इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के पश्चात हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का वर्ग हमें मिलेगा 25। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करने के पश्चात हम 25 को माइनस कर देंगे, तो 25 को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 1665। अब देखिए कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू मिली है 640 अपॉन अंडर रूट 360 मल्टीप्लाइड बाय 1665। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, हम या तो इसका अलग अलग वर्गमूल निकालें, अलग अलग वर्गमूल निकालें और वर्गमूल निकालने के पश्चात दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, या हम ये भी कर सकते हैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद हम
चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो भी वैल्यू आएगी हम उस वैल्यू का रूट वैल्यू निकालेंगे, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के बाद हम यहाँ देखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी उस वैल्यू को लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के पश्चात हमें जो आंसर मिलेगा वो ही हमारा होगा कोरिलेशन की वैल्यू, उसे को हम मानेंगे कि यहाँ पर कोरिलेशन की वैल्यू निकाली गई है। तो इसे करने के पश्चात हमें कितना मिलेगा, प्लस 0.82। तो कैलकुलेशन के पश्चात हमें कोरिलेशन की वैल्यू मिलेगी प्लस 0.82। तो प्लस 0.82 का मतलब है कि यहाँ पर x और y इन दोनों चरों के बीच सहसंबंध है। कैसा संबंध है, इन दोनों चरों के बीच हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है, हाई डिग्री का पॉजिटिव कोरिलेशन है। हम x और y सीरीज का विचलन निकाले बिना भी सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। पहले के जो भी मैंने चार फॉर्मूले आपको बताए थे, उन चारों फॉर्मूला के अंतर्गत आपने ये देखा होगा कि हर फॉर्मूला में x और y का डिविएशन निकाला गया है। अगर आप x और y का डिविएशन न निकालना चाहें तो भी आप डायरेक्ट तरीके से भी x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। तो सहसंबंध गुणांक की गणना करने का ये एक और फॉर्मूला आप देखिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में कहीं भी डिविएशन का प्रयोग नहीं किया गया है। अब डिविएशन का प्रयोग हमने इसके पहले के सवाल में किया था, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देखिए, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट में लिखा हुआ है n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है सिग्मा एक्स का स्क्वायर, फिर है एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। तो आप ये देखिए, यहाँ ये आपको सवाल दिया हुआ है, लेकिन ये जान लीजिए कि जब भी आप किसी भी सवाल में डिविएशन का इस्तेमाल करते हैं, विचलन का इस्तेमाल करते हैं, तब आपके जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और छोटे नंबर की सहायता से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विचलन ना निकालना चाहे तो ऐसे कंडीशन में आपके नंबर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, और इन बड़े नंबरों की सहायता से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है डिविएशन की सहायता से कोरिलेशन निकालना। तो विदाउट डिविएशन भी एक तरीका है, अगर आप चाहे तो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड की सहायता से कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x और y, ये मान हमें अपने सवालों के अंतर्गत दिए गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, x में आपको दिया हुआ है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये नंबर्स हमें x सीरीज के अंतर्गत दिए हुए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें x का स्क्वायर निकालना है, x का स्क्वायर निकालना है, यानी x का वर्ग निकालना है। तो x का वर्ग 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 19 का 361, 20 400, 20 का 400, 21 441, 21 441,
इतने बड़े बड़े वैल्यूज यहाँ पे आए हुए हैं और उसके बाद हमें क्या करना है x और y यानी कि x और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जैसे